जब मेरी शादी हुई थी सर से, तो मुझे कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं था, बिकॉज हम एक टीचिंग प्रोफेशन से थे, हमारे सारी बहनें टीचिंग करती थी, मैं भी टीचिंग करती थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो मुझे बस इतना पता था कि लड़का जो है 2-2.5 लाख महीने का कमाता है और ठीक ठाक इनकम है, उतना बहुत कुछ था उस टाइम के लिए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद पता चला कि जो है इनकम ही नहीं आ रही है, धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने पूछा, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सैलरी पे हो कि क्या करते हो, जो पैसे कम कैसे होने लगे? तब इन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से पैसे जनरेट होते हैं, यहाँ पे पब्लिक का बिजनेस है, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। हमने ओ, तो असलियत ये है। चूँकि मैं बहुत बुरा ही नहीं करना चाहूँगी किसी भी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि वहीं से सीखा है, वहीं से शुरू किया है, शुरुआत तो करनी पड़ती है ना कहीं से भी, तो सर ने भी किया था, तो सर ने मुझे बताया, फिर मैंने भी सर का साथ दिया। मैं भी वहाँ पे कुछ स्टेप सर के साथ चली थी, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म में दम नहीं था, प्रोडक्ट्स में दम नहीं था, इसलिए हम नहीं चले। बार बार सर ने मेहनत किया, बार बार वही बालू के रेत की तरह से ढह जाना, फिर से क्रिएट करना, फिर से वही सिचुएशन पे आना, मतलब हम लोग एकदम परेशान हो गए। फिर हमने कहा वी हैव टू चेंज दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बार बार मेहनत करना और बार बार गिर जाना, ये कब तक चलेगा? लाइफ आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? फिर हमने अपनी एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू किया और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MLIC करी, ताकि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मुझे भरोसा कम होने लगा था और मैं कभी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी अपनी बेटी को एक बेस्ट एजुकेशन दूँ, एक बेस्ट स्कूलिंग दूँ, हमेशा से मेरी कोशिश रही है, क्योंकि हम हमेशा एजुकेशन पे फोकस करते आए पहले से ही। फिर सर ने 3 साल तक एकदम छोड़ दिया काम को, पूरा स्टॉप कर दिया, माइंड को एकदम ब्लैंक। बहुत से कंपनीज के ऑफर्स आते थे, ये कर लो वो कर लो, हम बोले नहीं, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो तो नो, अब नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर एक दिन एसलीपीएस हमारी लाइफ में आई और वो अपॉर्चुनिटी हमारे, जो हमारे फैमिली के एक बहुत अच्छे दोस्त कह सकते हैं, एक अच्छे वेलविशर कह सकते हैं, दुख के पलों में साथ देने वाले, वो हैं मिस्टर किरण कुमार शर्मा। किरण भैया, प्लीज उनके लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि आज अगर हमने डिसीजन नहीं लिया होता, किरण भैया शायद, उनसे मेरी बहुत लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि मैं उन्हें राखी बांधती हूँ और उन्हें भैया भी समझती हूँ, मेरे भैया भी हैं, तो मुझसे बहुत लड़ाई हुई थी, फिर से आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ले जा रहे हो, नहीं जाएंगे ये, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके बोला एक बार देख तो लेने दो, एक बार समझ तो लेने दो, हमें चलो आप कहते हो तो छोड़ देती हूँ। फिर सर गए, फिर शिव कुमार भैया से मिले और सर को अच्छा लगा, सर से मिल के अच्छा लगा, लगा कि नहीं यहाँ जो है कुछ हो सकता है, और काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए भैया से, कॉन्सेप्ट से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। उसके बाद इन्होंने प्लान मेरे से इंट्रोड्यूस किया, डिस्कस किया, फिर हमने कई बार डिस्कस किया इस पर, फिर मुझे लगा नहीं हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, गो अहेड। फिर हम आगे बढ़े, इसके लिए संघर्ष तो बहुत रहा, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क, ईमानदारी, ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो भी करेगा वो आगे आएगा, वो सर ने किया है। शादी के बाद हमने 10 साल बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, मेरी बेटी भी ने बहुत सफ़र किया है इस बीच में। मैं चाहूँगी कि वो भी कुछ अपने ओन वर्ड्स में बताए कि आज वो क्या फील कर रही है अपने पापा के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जो अभी वो जी रही है, तो मैं चाहूँगी 2 वर्ड वो भी कुछ कहे। Can we have a loud, loud round of applause, ladies and gentlemen? So, a very good afternoon to everyone. I'm Ayushi Pandey, as you all know, I'm daughter of Mr. Pranav Kumar Pandey. And right now I'm feeling very proud and honorable, because this is the very proud moment for me, the very grand welcome I have first time seen in my life, and I'm very, very happy, and the only reason because of this, of course SLEPS company, and of course my father's hard work, and
There were many times where I was barely able to see my father because when he started to work in this company for the first time, either he came very late at night and that time I was asleep, or he used to go very early in the morning for his meetings and that time I was asleep. So there was a very crucial moment where I barely used to see him. But still, it was all worth it that we have reached here. Thank you so much, Sanjeev Uncle, for creating this company, which actually acted as an opportunity. Which actually acted as an opportunity for us to live a beautiful life. Right? Thank you so much. It was really inspiring, and she's absolutely a proud daughter of a proud father. Yes, ladies and gentlemen, can we have a loud round of applause?